हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छी होंगी। आज फिर हम बात करने वाले हैं आप एसोसो आईडी के माध्यम से अपने जन आधार कार्ड में जाति मूल किस प्रकार आप अपडेट कर सकते हैं, आज फिर हमें जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपको गूगल के अंदर एसोसो डॉट के सर्च कर लेना। फर्स्ट में आपको वेबसाइट देखने को मिल जाता है esso.asr.gov.in का, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपना यूज़र पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यदि आपके पास यूज़र पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूज़र पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपका यूज़र पासवर्ड से लॉगिन हो जाता है आपका एसोसो आईडी। अभी आपको यहाँ पर क्लियर सेंड एप्स पर क्लिक कर देने हैं, फिर एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी आपको जन आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको देखेंगे कहीं पर भी तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर लिखा रहा है जन आधार 2.0 का, तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना 2.0 वाले ऑप्शन को, जन आधार 2.0, ठीक है। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। उसके बाद में अगर आप न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एरर है देखने को मिलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें कुछ एरर देखने को मिलेगा। अभी अगर आपको अभी इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। ये एरर एक्चुअली में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक कर रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। ये ऑप्शन उनके लिए होता है जिनको आपको नया जन आधार कार्ड बनाना हो, तो आपको पहले से बना हुआ तो आपको नहीं बनाना है। अभी आपको इधर क्लिक करना है, इधर आपको लिखा आ रहा होगा यहाँ पर जन आधार एडिटिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर आप ऑप्शन आ भी गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको जन आधार कार्ड एडिट करना है तो प्रोफाइल एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इधर से आप जाति मूल को भी अपडेट कर सकते हैं। इसी पर क्लिक किया तो इधर आपको सिलेक्शन ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप एनरोलमेंट के थ्रू यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू, यहाँ पर जन आधार कार्ड के थ्रू। तो जैसे जन आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो जन आधार कार्ड का नंबर है यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप है, तो हम फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यदि फिलअप किया हुआ नहीं मिलता है तो आपको फिलअप करना होता है। तो ऐसे हम सर्च बटन पर क्लिक कर लेते हैं। सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करना होता है, जैसे कि हम आधार बेस सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ऑटोपे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, और किसी मेंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी मेंबर को जिसके आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म कर लेना, तो उसके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो उस पर ऑटोपे चला जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। आपको ओके बटन प्रेस कर देना है, फिर आपके सामने प्रोफाइल ओपन हो जाता है। अब जिसका भी आप मेंबर में अगर जाते मूल ऐड करना चाहते हैं उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सिलेक्शन बटन पर क्लिक कर देना है, तो वो मेंबर सेलेक्ट हो जाएगा। जाति मूल को अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा आता है फर्स्ट में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, तो इधर से आपको जाति का टोकन नंबर डाल के यहाँ पर आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पर लिखा आता है आगे यहाँ पर बोना फिड सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर अपने मूल निवास का जो टोकन नंबर होगा यहाँ पर एंटर कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एंटर करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पर एंटर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको इन पर टिक करना होगा, जो जो आप अपडेट करना चाहते हैं वो ऑप्शन को आपको टिक कर देना होगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। फिर आगे की तरफ आपको प्रोसीड करना है। जैसे कि हमने टिक कर दिया तो नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन को फिलअप करना है वो ऑप्शन को आपको टिक कर देना होगा और नेक्स्ट कर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर आपको यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी आपने जो ऑप्शन को टिक किया वो ऑप्शन इनेबल हो गए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर का और बोनाफिड सर्टिफिकेट का ऑप्शन को टिक किया, तो यहाँ पर इनेबल हो चुके हैं। तो ऐसे में अपना जो भी टोकन नंबर है वो एंटर कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर होता है वो यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये लोडिंग ले रहा है, देखते हैं फेच करता है ऐसा डाटा यहाँ पर। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अभी हम मूल निवास का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है टोकन नंबर होगा वो आपको जाति मूल पर मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे जहाँ पर लिखा आता है तहसीलदार या फिर उपकरण अधिकारी, उस तो थोड़ा सा उसके ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा टोकन संख्या, तो वहाँ से आपको वो नंबर मिल जाएगा। यदि उसमें नहीं है तो आपको नया जाति मूल बनवाना होगा, ठीक है। तो ये सब चेक कर लेना, आपको नीचे की तरफ ही मिलेगा वो टोकन नंबर। उसके वजह से हमने जाति मूल निवास का जो टोकन नंबर वहाँ एंटर कर दिया। उसके बाद कीबोर्ड में से टैब बटन प्रेस करेंगे
तो ये वेरीफाई करेगा कि आपने जो मूल निवास या जाति का जो भी नंबर डाला है वो एक्चुअली में डाटाबेस पर वहाँ पर है या नहीं है, तो वो चेक करेगा, ठीक है। यदि होगा एक्चुअली में ऑनलाइन डाटाबेस पर तो ही वो लेगा, नहीं अन्यथा आपको एरर देकर हटा देगा, वो टोकन नंबर को वहाँ से रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि लोडिंग ले रहा है तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या एरर देखने को मिलता है, फिर होता है नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर बोनाफिड सर्टिफिकेट भी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर लेना है। और यहाँ पर जैसे हम अननोन इनकम पर यहाँ पर टिक किया था, इसीलिए हम यहाँ पर इनकम फिलअप कर लेते हैं। अगर कोई भी इनकम नहीं है तो 00 टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर NA दिखा रहे तो आपको उसको टिक कर लेना हो पहले से, नहीं तो वो बाद में सबमिट करेंगे तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टिक कर लिया, तो यहाँ पर इनकम डाल दिया 00, उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं और फिर सबमिट कर लेते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर सबमिट के अलावा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको, तो सबमिट करेंगे। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कैंसिल का है तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो यहाँ पर यस सो मे रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रिसिप्ट आ जाता है। और नीचे की तरफ आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के अंदर तो यहाँ पर लिखा आएगा बोनाफिड सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर कार सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो ये अपडेट हो चुका है, आप चाहे तो इसका रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं है जिससे हम आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लोज बटन है तो हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप जाति मूल का जो नंबर इस प्रकार अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें।